आइए आज सुनिए हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी बोहनी कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा नया चैनल कथा साहित्य प्रो के नाम से शुरू हुआ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनने को मिलेंगी चैनल का लिंक कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है तो आइए अब आज की कहानी का आनंद उठाइए बोहनी मुंशी प्रेमचंद की कहानी उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा इधर एक फ़लांग तक पान की कोई दुकान ना थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे कभी वहाँ कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था चौराहा है गाहकों की हर दम भीड़ रहती है यह इंतज़ार मुझको बहुत बुरा लगता था पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलौरियाँ देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार न करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है कई बार इरादा किया कि पान दान खरीद लूं, लेकिन पान दान खरीदना कोई खाला चिका घर नहीं और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं है और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद लूं, तो पान दान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलोरियाँ निकल पड़ी बाजार से पान लाना दिन में पांच बार फेरना पानी से तर करना सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना क्या कोई आसान काम है मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है इतना सर दर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कप कभ कभी छूटने लगती है जब कभी ऐसी ही कोई जरूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर पट्टे से तोड़ लिया करता हूं लेकिन सरौते से काम लू यह गैर मुमकिन मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतेह करे कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता और इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं जो इस कला में दक्ष हैं। तो मैं भला किस खेत की मूली हूं तमोली तो ने अगर चूना ज्यादा कर दिया तो कथा और ले लिया उस पर उसे एक डांट भी बताई आंसू पूछ गए मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर आए, तो इसके सिवाय कि जान बूझ कर मक्खी निकले समझ बूझ कर जहर का घूंट गले से नीचे उतारे और चारा ही क्या है शिकायत नहीं कर सकते सभ्यता बाधक होती है कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीप पर कोई चिंगारी पड़ गई गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गरम करके उड़ेल दिया मगर घुट कर रह जाना पड़ता है अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं मैं लाख अनाड़ी हूँ लेकिन कभी इतना ज्यादा चूना नहीं डालता हाँ दो चार छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है आखिर वह आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों ना करे खामोश बायकाट से आप राजी नहीं होते दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं भवों की कमान और बरूनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते जब आप आंख लाल किए आस्तीने समेटे इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है खैर तीन चार दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज्यादा मुस्तैदी ना दिखलाई एक मिनट तक तो पान फेरती रही फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधि पूर्वक गिलौरियाँ बना रही है मगर अब भी वो सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं और ग्राहक भी कैसा जो उसका पड़ोसी है और दिन में बीस यू ही बार आता है तब तो मैंने जरा झुंझलाकर कहा मैं कितनी देर से खड़ा हूं कुछ इसकी खबर है तम्बोली ने क्षमा याचना के स्वर में कहा हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई लेकिन एक मिनट और ठहर जाइए बुरा ना मानिएगा बाबू आपके हाथ की भूनी अच्छी नहीं है कल आपकी भूनी हुई थी दिन में कुल छह आने की बिक्री हुई परसों भी आप ही की भूनी थी आठ आने के पैसे दुकान में आए थे इसके पहले दो दिन पंडित जी की बोनी हुई थी दोपहर तक ढाई रुपए आ गए थे कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे गोली सी लगी मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दावा नहीं है मुझसे ज्यादा भागे दुनिया में नहीं होंगे इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूं लेकिन यह मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहोसत का दाग बर्दाश्त कर लूं। कोई मुझसे बोहनी ना कराए लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशकुन समझे यह तो घोर कलंक की बात है मैंने पान तो ले लिया लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहुसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए बाजार साग सब्जी लेने जा रहे थे मैंने उनसे अपनी तंबोलिन की खूब तारीफ की वो महाशय ज़रा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देखकर बोले इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना अभी पानों की ज़रूरत ही है मैंने कहा पैसे मुझसे ले लो हाँ यह मंजूर है मगर कभी तकाजा मत करना यह तो टेढ़ी खीर है तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोलिन का बखान किया दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई मुझ पर खूब फप्तियां कसी मुझे छिपे रुस्तम भगत जी और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए लेकिन मैंने सारे आफ्तें हंसकर टाली यह दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई दूसरे दिन जब मैं तम्बोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली बाबूजी कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई कोई साढ़े तीन रुपये आए अब रोज़ बोहनी करा दिया करो तीन चार दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की तंबोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च करके सुरख रुई हासिल की लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी यह स्वांग अब ज़्यादा दिनों तक न चल सकता था इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूँ जब मेरी पोहनी ही ना होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता हो कि किसी की आहट मिली आंखों ऊपर को उठाता हूँ तो तंबोलिन गिलोरियाँ लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा लेकिन इतनी बेमुरवती भी तो ना हो सकती थी कि धुतकार दूं। बोला तुमने नाहक तकलीफ की मैं तो आ ही रहा था तम्बोली ने मेरे हाथ में गिलोरिया रखकर कहा आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कराऊं दुकान पर ग्राहक खड़े हैं मगर किसी की बोहनी नहीं की क्या करता गिलोरियाँ खाई और बोहनी कराई जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वह फर फंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी मैंने सोचा था मेरे दोस्त दो चार दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की जरूरत ना होगी मगर तम्बोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया दोबारा ना गया एक दो रसिक नौजवान अभी तक आते थे वे लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए पूरे डेढ़ रुपये खर्च करने पड़े बधिया बैठ गई दूसरे दिन मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया मगर जब तंबोली ने नीचे से चीखना चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा आंखें मलते हुआ नीचे गया जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही पला सर पर सवार हुई शाम तक दो रुपये का सफाया हो गया आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वह घर छोड़ दूँ। मैंने वहां से दो मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर कर वहाँ जा पहुँचा वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश ना होता होगा रात को खूब गहरी नींद सोया सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं बड़े इतमान से सिगरेट पिया मुंह हाथ धोया फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती ना थी मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा आज की हवा में भी आज़ादी का एक नशा था हर एक चीज मुस्कुराती हुई मालूम होती थी खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वो तंबोलिन लपकी जा रही है कुछ ना पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं मुझे देखकर वो ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो और मेरी घबराहट का अंदाज़ा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो उसने दूर ही से कहा वाह बाबूजी वाह आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ थी नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का घर था अब मैं आपको यहाँ न रहने दूंगी जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी आप इस घर का क्या किराया देते हैं मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा दस रुपये मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए इस घर का किराया बीस रुपये है दस रुपये में तो शायद मरने की भी जगह ना मिलेगी मगर तम्बोलिन पर इस चकमे का कोई असर ना हुआ बोली इस जरा से घर के दस रुपये आप आठ ही दीजिएगा और घर इससे अच्छा ना हुआ तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा चलिए मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूं इसी वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए कहा आज ही तो इस घर में आया हूं आज ही छोड़ कैसे सकता हूँ पेश की किराया दे चुका हूं तम्बोली ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा दस ही रुपए तो दिए हैं आपके लिए दस रुपये कौन बड़ी बात है यही समझ लीजिए कि आप ना चले तो मैं उजड़ जाऊंगी ऐसी अच्छी बोनी वहाँ और किसी की नहीं है आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी मेरा दिल बैठ गया यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान ना उठा लाए मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं पर जबान इतनी बेमुरत ना हो सकी बोला मेरा कुछ ठीक नहीं है कब तक रहूँ कब तक ना रहूँ आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े तुम ना इधर की रहो ना उधर की उसने हसरत भरे लहजे में कहा आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी अभी आज तो आप जाते नहीं मेरा कुछ ठीक नहीं है तो मैं रोज़ यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी इतनी दूर रोज आऊँगी हाँ चले आऊँगी दो मील ही तो है आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी यह लीजिए गिलोरियाँ लाई हूँ बोहनी तो करा दीजिए मैंने गिलोरियाँ ली पैसे दिए और कुछ गश किसी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती कि इन मुसीबतों से क्यों कर गला छुड़ाऊं तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूं। कोई भागने की राह नजर नहीं आती सुरखरू भी रहना चाहता हूं, बेमुरती भी नहीं करना चाहता और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूं। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूंगा अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी ये मजेदार कहानी बोहनी सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य कहानियां आप कथा साहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं कथा साहित्य में यूं ही अपना प्यारा साथ हमेशा बनाए रखिए धन्यवाद